चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस दुनिया के सभी देशों में फैल चुका है, जिस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं कोरोना वायरस हाथ मिलाने और बात करने से फैलता है, जिस वजह से अब लोग हाथ मिलाने की जगह नमस्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे से अभिवादन करने के लिए। वहीं भारतीय संस्कृति का इस्तेमाल सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े नेता भी कर रहे हैं। जैसे हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते से किया। दरअसल कोरोना वायरस हाथ मिलाने से फैलता है और इस खतरे से बचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर से नमस्ते किया। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप और वराडकर व्हाइट हाउस पहुंचे तो मीडिया ने उससे पूछा कि वो एक दूसरे से किस तरह से अभिवादन करेंगे, तो तब ट्रंप और भारतीय मूल के वराडकर ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते किया। इसके बाद एक अन्य पत्रकार ने भी पूछा कि क्या वे हाथ मिलाएंगे, तब वराडकर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पत्रकारों को दिखाया कि वो नमस्ते कर राष्ट्रपति का अभिवादन करेंगे, जिसके बाद ट्रंप ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, मैं हाल ही में भारत से लौटा हूँ और वहाँ मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया और ये आसान था क्योंकि वहाँ ऐसा ही है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बार नमस्ते के लिए हाथ जोड़ा, जिसके बाद ट्रंप ने कहा, आज हम हाथ नहीं मिलाएंगे। वहीं इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए भारत के नमस्ते पर भी टिप्पणी की और कहा कि झुकने और नमस्ते कहने से उन्हें अजीब सा अनुभव होता है। ये बहुत अजीब सा लगता है जब लोग आपके सामने से गुजरते और हाय कहते हैं और आप उनको नमस्ते करते हैं। बीते दिनों ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मिले थे, जिसके बाद से ऐसी खबरें आने लगी कि ब्राजील के राष्ट्रपति के संचार प्रमुख कोरोना से संक्रमित हैं। इसके बाद ब्राजीलियन सरकार ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने इस हफ्ते के अंत में अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी।